गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा है? कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ नहीं कैसे नहीं, वो मुझे बताओ क्या परेशानी क्या थी तुम्हें, आग लग गई तुम्हें पता भी नहीं चला? अल्लाह ना करे इससे ज्यादा जल जाते तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? चलकर खाक तो हो चुका हूं मैं। क्या कह रहे? कुछ नहीं, कुछ कह रही थी आप? हाँ, मैं कह रही थी कि रात को तुमने नरमीन का स्याह पड़ता हुआ चेहरा देखा था जब भी आने तुम्हारे बजाय दानियाल का नाम लिया था, अपने ऊपर बनाई तो सबकी बोलती बंद हो गई है ना? वैसे तो सबके सब तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते नहीं थकते, तुम्हें नीचे दिखाने के लिए हर वक्त जोर लगाते रहते, और रात को कितनी बसती है नरमीन तुम्हें कसूरवार साबित करने के लिए। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर मेरी अकल ने काम कर दिखाया, वरना अल्लाह ना करे। ऐसे बेटा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो हसद करने वाले लोग होते हैं ना अपनी हसद के आग में खुद ही जल के मर जाते हैं। बस मुझे तो बिया की फिक्र हो रही है, उस बेचारी के साथ पता नहीं कैसा सलूक करेंगे ये लोग। इससे बुरा सलूक और क्या करेंगे उसके साथ? बेचारी मेरा नसा, कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने अपनी बच्ची के लिए, एक भी ख्वाब पूरा ना हुआ। और बिया बेचारी तो पढ़ना चाहती थी आगे, किन क्या करे? मेरे ख्याल से अकबर हुसैन रुखसती में जल्दी नहीं करेंगे है ना? बस तो इस असना में बिया अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती है ना? मैं बात करूंगा अकबर हुसैन से, मान जाएंगे मेरी बात, मान जाएंगे ना? नींद आ रही है? हाँ। हुदा, हुदा ये सब क्या है, ये तोड़फोड़, ये सब? प्लीज बाहर आओ, मुझे बहुत जरूरी बात है। मैं जानता हूं तुम तो मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं सब क्लियर करने के लिए आया हूं, प्लीज बाहर आओ। खुदा, खुदा, मैं मामा, मामा, जी कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। नाश्ता कर लो फिर चलते हैं।
नहीं, दिल नहीं है मेरा। खुदा हाफिज। मामा, 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 वो उदा उदा कहाँ है? आपने देखा है उदा को? अपने कमरे में होगी। वो अपने कमरे में नहीं है मामा, उसका सामान भी नहीं है मामा। मुझे डर है कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई। क्या कह रहे हो? ये जो दानियाल है ना, ये बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया। पता नहीं क्या हो गया मुझे, अच्छी लगने लगी हो तुम। आप मेरे भाइयों की तरह हैं और आपकी उदा से शादी होने वाली है। उदा को बीच में क्यों लेके आ रही हो भैया? मेरा हाथ छोड़े दानियाल भाई, छोड़े। उदा घर छोड़कर चली गई है। पता नहीं कहाँ चली गई है। वो अपने बाप के घर नहीं जा सकती क्योंकि स्टेप में दर के साथ उसकी नहीं बनती है। तुम उसकी सारी दोस्तों को जानते हो, उन्हीं से पूछ लेना था कि कहाँ चली गई। बाबा मैंने तो सबको कॉल किया लेकिन कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भाई तो खुद चले जाओ ना, कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल कर लिया करो, मगर नहीं तुमसे कभी कुछ होगा ही नहीं। ठीक है बाबा, मैं अभी उसकी फ्रेंड्स की तरफ जाता हूँ, पता करता हूँ। हाँ हाँ जाओ ना, जल्दी जाओ, पता करके आता हूँ। बली इधर आओ। वो उदा का कुछ पता नहीं चल रहा, तुम एक काम करो, तुम सारे हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे पता करवाओ। जाओ जल्दी करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी शुरू हो जाती है। जब अपने गैरों को तरजीह देंगे तो ऐसे ही होगा। खुदा भी इसीलिए यहां से चली गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है।
अकबर हुसैन, यह आजमाइश की घड़ी है। हम सबको सब्र से काम लेना चाहिए। और हाँ, आज कंदील का वलीमा है, हमें ये बात हर हाल में कंदील के ससुराल वालों से छुपानी होगी। हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग वहाँ जमा होंगे, अगर हमने ऐसा ना किया तो बात फैल जाएगी। ये कैसे मुमकिन है भाभी बेगम? हम ससुराल वालों को तो कोई भी बहाना करके मुतमईन कर देंगे, लेकिन आप कंदील को कैसे मुतमईन करेंगी? वो तो सबसे पहले सवाल यही करेगी कि खुदा कहाँ है, फिर क्या बताएंगी आप? हाँ नरमीन, लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है भाभी बेगम। ना आप अपनी गरीब कजन को बुलाती, ना उसकी बेटी आलिशान घर देखकर उसकी नीयत खराब होती। माँ बेटी की वजह से ये सब मुसीबतें हम लोग भुगत रहे हैं। नरमीन, कुछ सोच समझ के बात किया करो। इसे मत रोको अकबर हुसैन, इसके दिल की भड़ास निकल जाने दो। जो कुछ हुआ है उसे एक्सेप्ट करना कोई आसान काम नहीं। बहुत खूब, जख्म भी ये देती हैं और मरहम भी यही लगाती हैं। ऐसे मुनाफ़िकों से तो अल्लाह बचाए। हाय सान्यान, तुम यहाँ? हुदा नहीं आई साथ क्या? हुदा को ही तो पिक करने के लिए आया था मैं, वो तुम्हारी तरफ नहीं आई क्या? मेरी तरफ? मेरी तो इतने टाइम से उससे बात ही नहीं हुई। यू नो एक्चुअली मेरा ब्रदर आया हुआ लंदन से, तो बस आजकल उसी के साथ बिजी हूँ। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। नहीं नहीं, आई हैव टू लीव, मैं चलता हूँ। ओके बाय। एक मिनट रुको, सच बताओ हुदा कहाँ है? कहीं तुम दोनों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गया? क्या तुम जानती नहीं हो हुदा को? कमाल बातें कर रही हो, वो मुझसे नहीं झगड़ती। बाय बाय। खुश हो गई मेरे बच्चे की खुशियां बर्बाद करके? शिराजा बिखेर के रख दिया मेरे घर का, मेरे बच्चे को। क्या कर रही है? मेरे बच्चे की जान लेंगी आप? इसका गला घोट के ना किस्सा यही तमाम कर दूं। तुम्हारी बेटी की नहुसत ने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों माँ बेटी इसी नियत से इस घर में आई हो, तो मैं तुम लोगों को यहाँ कदम नहीं रखने देती। नरमीन भाभी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, बदनीयत आपका बेटा हुआ था। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता, खुद को इतना गिराने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती। अल्लाह के कहर से डरे, आपकी भी बेटी है। मेरी बेटी की कदमों की धूल भी नहीं है तुम्हारी बेटी। दो दिन तुम लोगों को अपने घर में क्या रख लिया? यहाँ रहने के तुम लोग ख्वाब देखने लगे? मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। जाके बता देना अपने उन हमायतियों को, और तुम लोग खुद इस घर से दफा हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूं। या तो ठीक है, मैं अभी जाके बज्जिया से बात करी। ये औरत होती कौन है? इसका कोई हक नहीं कि हमारी इतनी बेइज्जती करे। बस कर दे अम्मी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, वो भी उन्हीं जैसी है। उनमें से एक किसी और की आग में क्यों कूदेगी? तुझे गलत फहमी हुई है, मेरी बज्जिया ऐसी नहीं है। अम्मी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने देखा है कल रात को जब देवरानियों चिठानियों में मुकाबला हो रहा था, हर कोई अपने अपने बच्चों को बचा रहा था, किसी को परवाह नहीं थी कि मुझ पे क्या गुजर रही है, किसी को परवाह नहीं थी कि उनके इल्जामात से
मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, और आपने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया आपने मेरा निकाह उस शख्स से करवा के, जो मुझे पहले इज्जत नहीं दे सका, वो अब मुझे क्या इज्जत देगा अम्मी? आपने बिल्कुल गलत कर दिया अम्मी, बिल्कुल गलत कर दिया। क्या मुसीबत है अम्मी, क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हैं? आपको पता भी है मैं बिजी हूँ। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे अनी? मैं लेक्चर के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो बताएं, वरना मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। क्या पार्टी? तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आ रही? याद? अभी कल ही तो नए घर शिफ्ट हुई हूँ, इतनी जल्दी किसी की याद आई है भला? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें देखे हुए सदियां बीत गईं। मम्मी प्लीज, मैं इतनी मुश्किलों से उस घर से निकली हूँ, अब आप फिर मुझे वापस बुला रही हैं। आप लोग इम्पोर्टेंट बात करनी है तो करें, वरना मेरे पास आपकी इमोशनल ब्लैकमेल का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एनी, मेरी कल रात तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि एनी, पता चला वली? नहीं, पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मेरे लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खबर आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को वली में जाने की तैयारी करनी चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मेरा तो दिल नहीं है जाने का, आप लोग हो आए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अकबर हुसैन? ये कैसे मुमकिन है? आपकी अपनी बेटी का वलीमा है। माजरत करके हम जान नहीं छुड़ा सकते, वहाँ हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग मौजूद होंगे, आप नहीं होंगे तो लोग बातें बनाएंगे। वली, यार मुझे नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा पा। मेरे हाथ है, माँ के हाथ है। खुदा के बारे में कोई अगर पूछेगा तो हम सब यही कहेंगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कह तो आप ठीक रही हैं भाभी बेगम। नरमीन, तुम जाके दानियाल को फोन करके वापस बुलाओ। जी, मैं अभी करती हूँ फोन उसे। अकबर हुसैन, आपने तो उससे पहले बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, तो फिर आज? लेकिन भाभी बेगम, इस बार काफी भारी चोट पड़ी है, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें आज के हालात पर काबू पाना होगा, यही इस खानदान के लिए बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं तो नरमीन को भी समझा दीजिए कि बिया अब इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है वो। नरमीन ने उसके साथ जो रवैया अख्तियार किया है, किसी हालत में भी दोस्त नहीं।
तानिया, हिम्मत करो बेटा। कैसे हिम्मत करो, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कब से हुदा को ढूंढ रहा हूं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। एक जरा सी गलत फहमी ने हम दोनों में कितनी दूरियां पैदा कर दी हैं, और आप कह रही हैं हिम्मत करो। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आप कह रही हैं हिम्मत करो। मैं अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं मामा। मैं दूसरों को कैसे यकीन दिलवाऊंगा, कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मुझे फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं। मुझे तुम पे यकीन है बेटा, और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। नाइंसाफी? आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी? मेरी शादी उस जाहिल गवार से करवा दी गई, और आप अब भी कह रही हैं कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। नाइंसाफी हो गई है मामा, नाइंसाफी कर दी गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूंगा यहां से। मैं कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूं। मैंने उन दोनों माँ बेटियों को उनकी औकात दिखा दी है, अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी ना तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेंगी। बस बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कंदील का बार बार फोन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब नहीं, अब उन दोनों माँ बेटियों को मैं इस घर से खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? उन्होंने मुझ पर बदनामी का तमगा लगाया है ना, अब मैं भी आप पर लगाऊंगा तलाक का तमगा। फिर धक्के मार मार के उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस मैंने सोच लिया, मैं यही करूंगा उसके साथ। बस उस पर यह एहसान करने की हर की जरूरत नहीं है दानियाल, वो तुम्हारी कैद में रहे इसी का तो मजा है ना। तलाक देकर उसे आजाद कर देना, ये तो बहुत आसान है। और इस तरह तुम अपने सारे बदले उससे ले सकते हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मेरे निसा, तुम यहां से अचानक कैसे जा सकती हो? अच्छा ये हमारे साथ हुआ क्या है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, किसी ने नहीं किया, मैंने किया है। बच्चा इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने अपने तो से अपनी बच्ची को दूसरे में झोंक दिया। बच्चिया हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए, बस आप हमारी जान छुड़ा दें। मेरी बेटी और मैं हमेशा के लिए चले जाएंगे, अल्लाह के वास्ते कुछ कर दीजिए बच्चिया, खुदा के वास्ते। मेरे निसा, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाहे खत्म कर दिया जाए। मैं कैसे बर्दाश्त करूं बच्चिया, मैं अपनी बेटी की बर्बादी कैसे बर्दाश्त करूं? अल्लाह माफ करे, मुझे तलाक का दाग मंजूर है, लेकिन ये तालुक नहीं। बच्चे कुछ कर ले, मदद कर दे। तो हिम्मत से काम लो, मेरे मेरी बात सुनो। इस वक्त सब लोग गुस्से में और खुदा की वजह से बहुत परेशान भी, तो अगर ऐसे में नरमीने को ऐसी वैसी बात तुमसे कहती है तो तुम ही गड़बड़ा कर लो ना।
नजर नहीं आ रही, आई भी नहीं मुझसे मिलने के लिए। वो नहीं आई बेटा। नहीं आई मतलब? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो घर पर है। अगर ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई कि उसने अपना सेल फोन ही ऑफ कर दिया, तो मुझसे किसी बात पे नाराज है क्या? वो भला क्यों तुमसे नाराज हो गई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसने अपना सेल फोन ऑफ किया हुआ होगा। यही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी भी क्या तबीयत खराब हो गई कि उसने अपना सेल फोन ऑफ कर दिया। खुदा ऐसा कभी नहीं करती मामा। क्या हो गया कंदी? सारी बातें आज ही करोगी? अपना वलीमा एंजॉय करो। देखो सब लोग देख रहे हैं। मैं तुम्हारी मदर लॉ से मिलकर आती हूँ। अरे वो मेहरुनिसा नहीं आई, मैंने उनको खास तौर पे इनवाइट किया था, आपने बताया नहीं। एक्चुअली शादा भाभी उनको अचानक जाना पड़ गया, हमने तो बहुत रोका लेकिन वो रुक नहीं सकी। अच्छा चले कोई बात नहीं, मुझे उनका नंबर दीजिएगा, मैं खुद उन्हें फोन करके इनवाइट करूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो अभी मैं नरवीन से यही शिकवा कर रही थी कि तुम क्यों नहीं आई। इतनी मोहब्बत से बुलाया कैसे नहीं आती? देखिए ना, नरवीन तो कह रही थी कि तुम चली गई हो। जी जा रहे थे, बस बिया का निकाह हो गया तो इसलिए रुक गए। का निकाह? क्या वाकई? कैसे? कल रात को दानियाल के साथ नरमीन भाभी ने नहीं बताया। मैं समझी नहीं मेहरुनिसा, बिया और दानियाल का निकाह ऐसे अचानक कैसे? दानियाल की ख्वाहिश थी इसलिए सब कुछ अचानक हो गया। नरमीन ये क्या? दरअसल भाभी सब कुछ इतना अचानक हो गया, बस कुछ सिचुएशन ही नहीं ऐसी थी। क्या सिचुएशन? मतलब आप लोगों ने रातों रात छुप के निकाह कर लिया और हमें बताना मुनासिब भी नहीं समझा? देखिए आपकी बेटी का भी वलीमा भी नहीं हुआ और हम आपके समधी हैं, आप इस चीज को समझें। वो सही कह रही है, सब कुछ अचानक हुआ इसलिए किसी को कहने का मौका नहीं मिला। आप चलो तो अच्छी बात है, अल्लाह खुश रखे बच्ची को। बिया ने मजबूर किया तो मैं आ गई, लेकिन बजिया मुझे पूरा यकीन है नरमीन भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्यों परवाह करती हो नरमीन की? देखो बिया और दानियाल का निकाह कोई गुनाह नहीं जो उसे छुपाया जाए। इसीलिए तो बता दिया है लेकिन फिर भी फिक्र हो रही है। ओहो महमूसा, अब तो तुम्हें रिलैक्स करना चाहिए ना। देखो बात अब चार दीवारी से निकल कर चौराहे में आ गई। अब तुम्हें पता है अकबर हुसैन को अपनी इज्जत कितनी अजीज है, वो अपनी इज्जत पर किसी तरह से भी आँच नहीं आने देंगे। बस तुम्हारी बिया की इज्जत अब महफूज है। तुम बैठो मैं आई हूँ समझ के। Thank you.
बात बताइए, मेहरुल निसा आंटी का दिमाग खराब हो गया क्या? क्या जरूरत है शायद आंटी को सब कुछ बताने की? मैं तो इन दोनों माँ बेटे की जिठाई पे इतनी परेशान हो गई, और तुमने देखा कैसे खिलखिलाती हुई ये दोनों आ गई है, और अपना रिश्ता भी अनाउंस कर दिया ताकि हम कोई कदम भी ना उठा सके। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये दोनों माँ बेटियाँ चाहती क्या, क्यों हर जगह पहुँच कर ये तमाशा लगा रही है। बस तुम दिमाग मत खराब करो, कंदील के ससुराल वालों को देखो, शायदा पहले ही हमसे इतनी नाराज हो गई है। मैं अब शायदा आंटी का मूड नहीं देख सकता, ना मैं और सब्र कर सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द इनका कोई हल निकालना है। दानियाल प्लीज अब कोई मसला और ना खड़ा कर देना, एक मसला खत्म नहीं होता दूसरा खड़ा हो जाता है, प्लीज तुम खामोशी रहो जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। खामोश रहो? मेरी खामोशी कोई तो एक्सप्लॉइट कर रही हैं ये दोनों, मैं और खामोश नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ करना है इनका। क्या कर लोगे दानियाल तुम? अल्लाह के वास्ते अब हम और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, बस प्लीज चलो जाके देखो सबको। आप देखिए मैं इन दोनों का हल क्या निकालता हूँ, इसे देखती रहिए। भैया तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारी माँ ये घटिया हरकतें करके मुझे ये रिश्ता निभाने पर मजबूर करोगे? भूल है तुम्हारी भैया, ना तो मैं ये रिश्ता निभाऊंगा और ना ही मुझे कोई शौक है इसे निभाने का। शौक तो मुझे भी नहीं, अफसोस जरूर है आपको ना पहचानने का। ये तुम्हारे भाई को आखिर क्या सूझी? मोहब्बत का प्रचार हुदा से और निका भैया से। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे? इसमें समझने जैसा तो ऐसा कुछ नहीं है, आई मीन सब कुछ क्लियर है। यकीनन इनके बीच कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा था ना कि नतीजा निकाह की सूरत में निकला। मैं बिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी लड़की नहीं है और ना ही दानियाल ऐसा है, मैं ये मान ही नहीं सकती, पता नहीं क्या हुआ होगा। मजे की बात यह है कि हम अब तक वली को बुरा समझते आए थे, लेकिन असल कारनामा तो तुम्हारे भाई ने करके दिखाया है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं काशिफ? यार मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बातें कर रहे हैं, मॉम का मूड भी ऑफ है बिकॉज लोगों ने उनसे जाकर बातें की और इसी बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगा था मैं किसी खानदानी लड़की से शादी कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस खानदान में फंस गया। आपकी नाराजगी बिल्कुल बजाय भाभी जी, मगर आप यकीन करें कि हम सिर्फ घर के ही अफराद थे। तो घर के लोगों में हम भी तो शामिल ही है ना, अगर आपका यही प्लान था तो मेहंदी की रात निकाल रख लेते, हम भी खुश हो लेते। आप लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं, बस ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जैसे बिना बताए निकाह किया वैसे ही बिना बताए शादी कर लेंगे आप लोग, जैसे गैरों से हमें निकाह का पता चला वैसे ही रुखसत का पता चल जाएगा। अभी तो मैं तुम्हारे साथ और बहुत बुरा कर सकता था, इसलिए ये सब बातें मत बोलो, जितनी जल्दी हो सकता है यहां से भाग जाओ, वरना वरना क्या वरना क्या? तमाशा लगाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी दानियाल? ठीक है बचपन से पता है मुझे तुम्हें खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन वो बहन है तुम्हारी, उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। यही तमाशा जो कल खड़ा हुआ है ना, उसको जट से उखाड़ने के लिए आया हूं, ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी। ये सब बाद में देखना, तुम्हारी बहन का घर तकरीबन टूट चुका है, उसे बचा लो जाके, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्या मतलब है? वो देखो देखो गुजर गए साल तांवी, अधूरे निसार सवाल तांवी, पता है कि नारजमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद।